यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में आज आपसे सुझाव लेंगे, राय लेंगे बच्चों की शिक्षा को लेकर। हर इंसान अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की ख्वाहिश रखता है और रोजाना अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजता है। अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाई ना दी जाए, शिक्षा ना दी जाए, आपके बच्चों से मजदूरी करवाई जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही एक वीडियो हम आपको ये दिखा रखे हैं, चरखी दादरी में सरकारी स्कूल का हाल कैसा है वो इन तस्वीरों से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकारी स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई करवाई जा रखी है वो आप इन तस्वीरों से बेहतर समझ सकते हैं। तो चरखी दादरी के कन्हेटी गांव का ये सरकारी स्कूल है, पांचवी कक्षा के बच्चों से ईंटें ढुलवाई जा रखी है। तो ये तस्वीरें सामने आई है, सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें वायरल है। सरकारी स्कूलों में सरकार के दावे है गुणात्मक शिक्षा में सुधार के, गुणात्मक शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने के, लेकिन जब टीचर्स ही शिक्षक ही बच्चों से मजदूरी करवाएंगे तो शिक्षा कैसे दी जाएगी, पढ़ाई कैसे हो सकेगी, ये बड़ा सवाल है। आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो देश की आवाज़ में आज का मुद्दा यही है कि क्या ऐसे नौनिहाल पढ़ पाएंगे, क्या ऐसे भारत बढ़ेगा और पढ़ेगा। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या है, आप फोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है आप बताइए। क्या हरियाणा के सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे सुधर पाएंगे कि बच्चे मजदूरी करते हैं, शिक्षक कुर्सी पर बैठकर आराम से बच्चों को मजदूरी करते देखते हैं। तो टंकी का निर्माण किया जाना था, लंबी कतारों में ये बच्चे चलते हैं, ईंटें ढुलवाई जा रखी हैं बच्चों से और ईंटें ढोने का काम किया जा रहा है, यानी साफ तौर पर मजदूरी करवाई जा रही है। तो क्या ऐसे शिक्षा में बदलाव हो सकेगा, शिक्षा में गुणात्मक सुधार ऐसे आ पाएंगे, क्या सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे सुधर पाएंगे जब टीचर्स की मंशा ही पढ़ाने की रखी है, जब शिक्षक की मंशा ही बच्चों से मजदूरी करवाने की है। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, फटाफट फोन उठाइए और बताइए कि आपकी राय क्या है। तो इससे पहले भी कई बार इस तरह के वीडियो सामने आए हैं। ताजा जो तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रखे हैं, ये चरखी दादरी की कन्हेटी गांव की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। बच्चे किस तरह से ईंटें ढो रखे हैं टंकी निर्माण के लिए, आप देख सकते हैं। टीचर्स की ओर से ये तक कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये बच्चों से ईंटें ढुलवाई जा रखी है, लेकिन अभियान ये नहीं कहता कि बच्चों से मजदूरी करवाई जाए, स्कूल में लेबर ना बुलाई जाए, मजदूरी के लिए बाहर से लोगों को ना बुलाया जाए जबकि बच्चों से ही मजदूरी करवाई जाए। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर और इस विषय पर आपकी राय क्या है वो बताइए, फोन कीजिए। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखा जा रहा है, तो फोन उठाइए और बताइए कि इन तस्वीरों पर आपकी राय क्या है। तो देश की आवाज का आज का मसला यही है, क्या ऐसे पढ़ेगा हरियाणा और क्या ऐसे बढ़ेगा हरियाणा। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचते हैं ये बताइए। क्या ऐसे सरकारी स्कूलों के हालात सुधर पाएंगे, क्या ऐसे सरकारी स्कूलों के टीचर्स और सरकारी स्कूलों की जो छवि है वो सुधर पाएगी, उसमें बदलाव हो पाएगा, आप क्या सोचते हैं वो बताइए। क्योंकि आपसे जुड़ा, आपके बच्चों से जुड़ा ये मुद्दा है आज का, बच्चों से किस तरह से ईंटें ढुलवाई जा रखी है। पहली बात, शिक्षा को लेकर टीचर्स गंभीर नजर नहीं आते, बच्चों को पढ़ाया जाना फिलहाल जरूरी नहीं समझा जाता। पांचवीं कक्षा के ये छोटे छोटे बच्चे जिनको ईंट गिरने से चोट भी आ सकती है, लेकिन टीचर्स को कोई परवाह नहीं। क्या अभिभावक ईंटें ढोने के लिए, मजदूरी करवाने के लिए अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, क्या ऐसे हरियाणा पढ़ सकेगा, क्या ऐसे पढ़ाई हो सकेगी, क्या सरकारी स्कूलों के हालात कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बहुत पहले से इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। क्या इस तरह बच्चों से ईंटें ढुलवाया जाना, मजदूरी करवाया जाना ठीक है, आप क्या सोचते हैं राय दीजिए। किशोर है हमारे साथ रोहतक से, फोन लाइन पर जुड़े हैं, आप क्या सोचते हैं विषय पर बताइए। इस विषय पर यही सोचते हैं कि ये जो फंड आ रहा है टंकी के निर्माण के, वो लेबर को दिए जाएगा, प्रिंसिपल या ऊपर के अधिकारी खा रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर टंकी बनवाने के लिए सीमेंट जो है ये अपनी जेब से देंगे या मजदूर जो ईंटें या इनका खर्चा अपनी जेब से देंगे, इसलिए सरकार से फंड दे रही है, लेबर खर्चा ये बचा रहे हैं जी। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार की केस है और कुछ नहीं है। और रही बात सरकारी स्कूल की, प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों की हालत खराब है बहुत ज्यादा। प्राइवेट स्कूलों में जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं वहाँ टीचर हैवान बने हुए हैं,
बड़े बड़े नेताओं के, जब बीजेपी के, कांग्रेस के, सपा और सभी पार्टियों के नेताओं के स्कूल हैं उनमें, और या रसूखदार बड़े बड़े लोगों के स्कूल है उनमें टीचर अहमान बने हुए। आपका चैनल जो बहुत अच्छी ढंग से दिखाता है कि किस तरह वहाँ पे बालिकाओं का शोषण होता है, बालिकाओं का होता है। अब ये सब आपका चैनल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं अपने रोहतक की बात बता रहा हूँ, नामी स्कूल का नाम मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें जो सौरभ शर्मा, रजत शर्मा के नाम के दो टीचरों ने 14 साल की बालिका का शोषण किया, और एक बहुत रसूखदार अंजना जी का होता हुआ वहाँ। चले बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर ऐसा कोई मामला है तो आप खबरें अभी तक को इस कार्यक्रम के बाद भी बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। जनहित के मुद्दे उठाना ही हमारा मकसद है। रणबीर मार्के हमारे साथ पानीपत से फोन लाइन पर जुड़े हैं। मान साहब स्वागत है देश की आवाज में, और मुद्दे पर राय क्या है वो बताइए। मैडम जी, पहले जी विचारों के पिता लगाते हुए हरियाणा में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है जी। मैडम जी, ये जो बच्चे इंटर हो रहे हैं ये इंटर बिल्कुल नहीं है, फ्रेश सीखते हैं जी। और आपकी चैनल पर देख रहा है यहाँ पर स्कूल में कभी तो लेकिन आया जी, ये ठेके काम से मिले भगत करके मजदूरी मजदूरों को तो बुलाया इन्होंने। हाँ। मजदूरों में तो पैसे खा जाएंगे, जैसे तुम टीचर साहब कर रहे हैं, सब देख रहे हैं जी। और ये बच्चों से काम करा जा रहा है। हाँ। इसकी पूरी बारीकी से जांच कराई जाए, इसमें बड़ा मोटा गोलमाल मिलेगा जी। बिल्कुल, जांच का विषय है ये। बात साहब बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता ने भी बातचीत की थी अधिकारियों से, तो अधिकारियों की ओर से कहा गया कि जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन क्या बच्चों को ईटेड होने के लिए या मजदूरी करने के लिए स्कूलों में भेजा जाता है? क्या टीचर्स का यही धर्म है, यही जिम्मेदारी है कि लेबर को ना बुलाया जाए, मजदूरों को बाहर से ना बुलाया जाए? ये करप्शन भी है एक तरह का, जो कि दर्शकों का लगातार कहना है, क्योंकि कोई भी निर्माण कार्य अगर करना है तो बजट स्वाभाविक तौर पर विभाग की ओर से आना है, लेकिन उस बजट का क्या करते हैं टीचर्स? मजदूर बाहर से क्यों नहीं बुलाए जाते? जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनसे ईंटें क्यों ढुलवाई जाती है? अगर उनको चोट आती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका अपना कार्यक्रम आपसे जुड़े मुद्दे को लेकर आया है कि सरकारी स्कूलों के हालात क्या ऐसे सुधर सकेंगे, क्या ऐसे उनमें सकारात्मक बदलाव आ सकेगा कि जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, पांचवीं कक्षा के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन टीचर्स उनसे ईंटें ढुलवाते। स्वच्छ भारत अभियान का भी हवाला दिया जाता है, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो जैसे सामने आई जिनमें बच्चों से सफाई करवाई जाती है, बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। इस पर आपकी राय क्या है? आपके आसपास के स्कूलों के हालात क्या हैं वो भी आप बता सकते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आरके कालिया है हमारे दर्शक अंबाला से फोन लाइन पर जुड़े हैं। कालिया साहब बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, राय दीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, मैं टीचर्स की कोई वकालत नहीं कर रहा। हाँ। एक बात मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा जी, जो बच्चे हैं वो घर में भी काम करते हैं, घर में भी वो लेबर करते हैं जी, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है और मेरा अपना ये मानना है जी, हेडमास्टर की या प्रिंसिपल की कुछ मजबूरी रही होगी। हाँ। हमें पता है, शायद आपको ना पता हो, आप इतने एंकर हैं, बहुत काबिल एंकर हैं, शायद आप हमें इन जाती जो एरियाज हैं उनके स्कूलों की हमें पता क्या स्थिति है और क्या नहीं है जानकारी। उनके पास देखिए, बात सुनिए आप, उनके पास फंड की कमी होती है, और हो सकता है उनके पास फंड ना हो और डिपार्टमेंट सुनता नहीं है, ना डीओ सुनेगा, ना डीसी सुनेगा, ना कोई डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है वो सुनेगा। तो अगर टीचर ने काम करवा लिया बच्चों से तो इसमें क्या हर्जा, बताइए आप क्या हर्जा। काले साहब, आपकी आपकी बात, आपकी बात एक लिमिट तक सच हो सकती है, लेकिन ये टीचर जो खुद कुर्सी पर बैठे हैं सर, वो कालिया साहब जो टीचर्स हैं फिर वो आगे बढ़ के क्यों नहीं आते? अगर फंड की कमी है तो स्कूल उनका भी है, टंकी निर्माण होना है वो उनके लिए भी होना है। टीचर्स खुद कुर्सी पर बैठ के देखते हैं बच्चे मजदूरी करते हैं, क्या ये सही है? टीचर जमीन पर बैठेगा नहीं, टीचर्स भी काम करें ना सर, टीचर भी तो घर पे काम करते हैं फिर करते सर। बाकी लोग जाके जी, जब टीचर को लोग जब गाली देते हैं, जाके गांव का सरपंच गाली देता है टीचर के साथ, मार पिटाई करता, तब तो आप बोलते नहीं। काले साहब, टीचर के साथ क्या होता है? आरके कालिया साहब, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जब भी कुछ गलत होता है और खबर हम तक आती है हम जरूर उठाते हैं। लेकिन आपने कहा कि फंड की कमी है, तो टीचर्स भी आगे बढ़े ना सर, टीचर्स भी आगे बढ़ के काम करें। बच्चे अगर घर पर काम करते हैं तो टीचर्स भी करते होंगे,
और पांचवी कक्षा के बच्चों से कहां घर में ईंटें ढुलवाई जाती है, ये भी सवाल है। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये भी एक पहलू हो सकता है जो आपका है उसको हम खारिज नहीं करते कि बच्चे अगर घर पर भी काम करते हैं तो अपने स्कूल में भी काम कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? तो अभी तक दर्शक जो जुड़े हैं उनमें से कुछ का ये भी मानना है कि बच्चे अगर घर पर ये काम करते हैं तो स्कूल में भी कर सकते हैं। जो ग्रामीण इलाकों के जो स्कूल हैं उनके हालात ऐसे हैं कि फंड की कमी होती है, बजट नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या बजट ना मिल पाने पर बच्चों से इस तरह से ईंटें ढुलवाया जाना, मजदूरी करवाया जाना, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या ये एक तरह की मजदूरी नहीं है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ईंटें उठाकर चलते हैं, उनको अगर चोट आती है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये सही है? आप इसको लेकर फोन कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं। तो ये हरियाणा के सरकारी स्कूलों के हालात हैं। चरखीदात्री जो कि हरियाणा का सबसे नया जिला है, वहां के कन्हेटी गांव के सरकारी स्कूल की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें हैं। टीचर्स का कहना है टंकी निर्माण करवाया जाना है और एक जगह से दूसरी जगह पर ये ईंटें लेकर जा रही है जिनको ढुलवाया जा रहा है बच्चों से, छोटे बच्चों से। उस पर आपकी क्या राय है? ये कितना जायज है? और अभी जो अधिकारी कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, उस पर कितना यकीन किया जाए कि किस तरह की जांच होगी और कौन इसमें दोषी पाया जाता है, क्या ये ठीक है या फिर नहीं, इस पर आप राय दे सकते हैं। तो देश की आवाज का आज का जो मसला है वो शिक्षा से जुड़ा है और शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूलों से, और स्कूलों में भी सरकारी स्कूल का ये मामला आपको बता रखे हैं। चरखीदादरी के कन्हेटी गांव का ये सरकारी स्कूल है जहां बच्चों से ईंटें ढुलवाई जा रखी है। टीचर्स का कहना है कि टंकी निर्माण के लिए ईंटें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जानी थी जिनको ढोने का काम बच्चे कर रखे हैं। तो अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े आरके कालिया अंबाला से, जिनको लगता है कि टीचर्स अगर ईंटें ढुलवाते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बहुत बार बजट भी नहीं आ पाता है, फंड की कमी के चलते ये काम अगर बच्चों से करवाया जाता है उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या आपकी भी यही राय है या फिर आपको लगता है कि बच्चे जहां पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पढ़ाई ही होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि आप अगर अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो वहां उनसे सफाई करवाई जाए, वहां उनसे ईंटें ढुलवाई जाए या किसी और तरह का काम उनसे करवाया जाए और आपको वो ठीक लगता है, जायज लगता है? आपकी राय क्या है हमसे साझा कर सकते हैं। लगातार हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो फोन उठाइए और बताइए कि मुद्दे पर क्या सोचते हैं। तो चरखीदादरी से तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। कन्हेटी गांव के प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें हैं जिनमें आप दो टीचर्स को भी देख सकते हैं, एक कुर्सी पर बैठे हैं आराम फरमा रखे हैं, दूसरे हैं जो खड़े हैं इन बच्चों को ईंटें ढोते देख रखे हैं। दोनों का यही कहना है कि टंकी निर्माण के लिए ये काम किया जाना था, ईंटें ढोनी थी जो कि बच्चों से ढुलवाई गई। क्या ये जायज है, क्या ये सही है? आप बता सकते हैं। जब बजट विभाग की ओर से मिलता है तो लेबर क्यों नहीं बुलाई जाती, ये भी सवाल है। कानपुर से विनोद कुमार हमारे साथ हैं। विनोद कुमार जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? चले, संपर्क टूटा है, कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा कार्यक्रम में जुड़ने का। तो चरखीदादरी के कन्हेटी गांव की तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। ये वीडियो वो है जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। खबरें अभी तक ने इसमें अधिकारियों से भी सवाल पूछे हैं, टीचर्स से भी सवाल जवाब किए गए हैं, अभिभावक क्या सोचते हैं वो भी जाना गया है। तो टीचर्स का कहना है टंकी निर्माण के लिए बच्चों से ईंटें ढुलवाई गई। अधिकारियों का कहना है कि उनके मामला जो है उनके संज्ञान में आ चुका है, अब जो दोषी होगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, जांच की जाएगी मामले की, क्या कुछ ये मामला है। योगेश करनाल से हमारे साथ हैं। योगेश, आपकी क्या राय है मुद्दे पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। मैडम, मेरी तो ये राय है, देखो जी, सबकी अपनी अपनी राय होती है, उस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। देखो जी, अब मेरी राय ये है कि बच्चे घर में भी काम करते, स्कूल में भी करते, ठीक है जी, लेकिन घर में बच्चा पढ़ता नहीं है, ना उसको ज्ञान होता किसी बात का, इसलिए हम उसे स्कूल में भेजते हैं ताकि हाँ। उसका भविष्य आगे कामयाब हो, ना कि उससे ये कि भाई इनकी उम्र कितनी है, मेरे ख्याल से 7 या 8 साल या होगी इनकी। बिल्कुल। अगर जब स्कूल में फंड नहीं है, प्रिंसिपल है, 10 स्कूल में टीचर है, हाँ। उन 10 टीचरों के 10 बच्चे भी तो होंगे, एक बच्चा लगा लो, उनसे काम करवा लो, उनके बच्चे क्यों नहीं कर रहे काम? बिल्कुल। मैडम, जब तक ये तो आपने देखो पीछे स्कूल में बच्चे को पानी पिया रहे थे सबको, हाँ। वो कह रहे थे संस्कार हैं, अब उसके बाद बच्चे घास से तोड़ रहे, काट रहे थे, फिर सड़क बना रहे थे स्कूल में, मतलब कितनी बार दिखाएं कि हमारा प्रशासन जाग नहीं रहा। और जो ये हमारी थोड़ी सी सोच है ना, थोड़ी सी हल्की सी, हाँ। गलत है कि भाई बच्चे स्कूल में काम भी कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ काम कर सकते हैं, एक आधी बार हो जाता है भी, छोटा बहुत काम करवा ले, अगर बच्चे के पैर पे ईंट गिर जाए, चोट लग जाए, वो तो 2-3 दिन के लिए घर बैठ गया। हम बच्चों को स्कूल में भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, ना कि मजदूरी करवाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सही आपकी राय है। बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजा जाता है, मजदूरी के लिए नहीं भेजा जाता, ये योगेश सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं बता सकते हैं। मनदीप कैथल से जुड़े हैं, मनदीप आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, तस्वीरों को लेकर? हेलो जी, टीवी की आवाज को कम कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या सोचते हैं विषय पर। हाँ मैम, ये राय है मेरी कि जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य है, और बच्चे जो ये मतलब शिक्षा के योग्य है, इनसे ये मेहनत मजदूरी करवाई जा रही है। जी हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं, आप टीवी की आवाज को कम करेंगे? हाँ मैं टीवी की आवाज कम कर रहा हूँ। तो ये है कि इनको शिक्षा के लिए भेजा जाता है स्कूल में जी, तो इनसे मेहनत मजदूरी करवाते हैं बिल्कुल, और जो इनका टीचर है ये तो आराम से बैठे रहते हैं। हाँ। मतलब कि ऐसा सरकारी स्कूल में देखा जाता है हरियाणा के अंदर खासतौर पे। चले बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनदीप को लगता है कि बच्चों से मजदूरी करवाने के लिए बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजा जाता। इससे पहले योगेश हमारे साथ करनाल से जुड़े थे, जिनका कहना था कि ये टीचर्स अपने बच्चों से मजदूरी क्यों नहीं करते, ये बड़ा सवाल है अपने आप में वाकई। राजेश है हमारे साथ शिमला से फोन लाइन पर जुड़े हैं, राजेश आपकी क्या राय है? नमस्कार मैडम जी, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूं। जी नमस्कार, ये आपका प्रोग्राम एक तो बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, मैं ये दूसरी बार आपके साथ संपर्क कर रहा हूँ जी। जी शुक्रिया, आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाकर इस देश की गंदगी को साफ करने में जो सहयोग कर रहे हो उसके लिए आपको कोटि-कोटि नमन जी। ये जो आप दिखा रहे हैं फिल्म, ये ऐसा मैडम जी यही नहीं हरियाणा ही नहीं हिमाचल के भी सरकारी स्कूलों में एवरीवेयर ऐसा है जी। जी ये जो बच्चों को हम अपने भविष्य बनाने के लिए आगे भेजा जाता है, लेकिन मैडम जी उन्हें गवर्नमेंट स्कूल के उदंड की डिग्री मिलती है जी। जी जी, ये जो इन्हें पढ़ाई कराने की बजाय एक अच्छा इंसान बनाने की बजाय इसमें काम करने से कोई बच्चे नहीं खींचते जी। हम नहीं बोल रहे कि ये बुरा है या कुछ है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से काम नहीं करवाया जाना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश। तो सुनील है हमारे साथ जींद से फोन लाइन पर है, सुनील आपकी क्या राय है इस विषय पर? मैडम जी मैं नमस्कार जी, नमस्कार जी, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से जी। जी आपने जो प्रोग्राम दिखाया है ये बच्चों से ईंट वगैरह डलवा रहे हैं, देखो इसमें ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं, जो भी ये काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, पीछे से गवर्नमेंट का फंड तो आता ही नहीं जी, आता है उसको जो पहले वाले टीचर है वे डकार जाते हैं। हाँ। और आगे वाले जो टीचर है प्रिंसिपल है हेडमास्टर जो भी है उनको लगता है कि इस चीज की कमी है, पैसे की कमी में क्या करते हैं बच्चों को या गांव वालों से मिलकर ही ऐसे काम कराते हैं जी। हाँ। जो भी बनता है जो भी काम कराते हैं बच्चों के ही काम आएगा, ऐसा तो है नहीं कि मास्टर भी है या हेडमास्टर उसको उठा के ले जाएंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय ठीक हो सकती है अपनी जगह पर, लेकिन फिर इमारत भी है ये भी बच्चों के ही काम आनी है, इसके लिए भी मजदूरी बच्चों से ही करवाई जाए, इसको भी आप लोग जस्टिफाई कर देंगे। खैर आम पब्लिक क्या सोचती है वही जानना हमारा मकसद है। आशु नोएडा से है हमारे साथ, आशु फोन लाइन पर है, आप इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं वो बताइए। नहीं, बच्चों से जो मजदूरी जो कराई जाती है मैं ये क्या कहता हूँ कि जो ऐसा करते हैं उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए जी, और पेरेंट्स बच्चों को बड़े से पालते हैं और अपने स्कूल में भेजते हैं कि बच्चे हमारा एजुकेशन दे बिल्कुल, और उसके साथ अगर ऐसा होता है तो फिर जो बहुत निंदनीय है जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशु। जसबीर मलिक हैं हमारे साथ रोहतक से फोन लाइन पर जुड़े हैं, मलिक साहब बहुत स्वागत है देश की आवाज में, और इन तस्वीरों पर क्या सोचते हैं? नमस्कार मैम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको इस विषय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम शिक्षा जैसे ऐसे मुद्दे को उठाया है जो बहुत महत्वपूर्ण है जी। आज सरकारी स्कूल जो नए हैं उनको छोड़कर जितनी पुरानी इमारतें बहुत जर्जर हालत में है, बहुत दयनीय है। हाँ। मेरे गांव खराउड़ में रोहतक में जो लड़कियों का स्कूल था उसको डिमोलिश कर दिया है मतलब अनसेफ होने के बाद। हाँ। और दूसरा लड़कों का स्कूल है वो अच्छी कंडीशन में है, वहाँ पर ठीक कार्य चल रहा है, ठीक, लेकिन फिर भी वहाँ पर लिपाई की उसमें चूना की जरूरत है, और बच्चे जो काम करने की आप बात करते हैं उस कंपनी का पढ़ा करके थोड़ा मोड़ा तो जरूर अपने अपने क्लासरूम की साफ सफाई हम जरूर किया करते, ड्यूटी लगा करते जो साफ सफाई के लिए, तो ऐसे थोड़ा मोड़ा अगर बच्चे काम करते हैं सेवा भाव से अपने स्कूल में तो चाइल्ड लेबर ना कह करके वो सेवा है वो भी, क्योंकि शिक्षा के प्रति समर्पित तभी होगा जब उसका उस संस्थान से लगाव होगा, तो इसलिए ये
मैं आपसे एक अरदास करना चाहता हूँ, उन बच्चे जो थोड़ा मोटा स्कूल में काम करते हैं, स्कूल की साफ सफाई करते हैं, उसको किसी भी अन्यथा ना ले, वो केवल एक स्कूल के प्रति उनका समर्पण भाव होता है। ठीक है, ये भी एक पक्ष हो सकता है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नागेंद्र सिंह नेगी है हमारे साथ हिमाचल से फोन लाइन पर। नेगी साहब आप क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम। मेरी राय में इस देश में दो तरह के स्कूल इस वक्त चल रहे हैं। एक जो सरकारी स्कूल है ये तो मजलूमों और किसानों और मजदूरों के स्कूल जो भारत निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, आगे भी वो मजदूर और किसान और जो भारत निर्माता जो है वो उनको तैयार किया जा रहा है। दूसरे जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल, वो शासक वर्ग के लिए है, क्योंकि शासक वर्ग के बच्चे जो है वो फिर अफसर बनेंगे और वो शासन करेंगे उनके ऊपर। क्यों नहीं यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लागू किया जाता है कि सरकारी खजाने से जो लोग पैसा लेते हैं वो तमाम अफसर नेता जितने भी मास्टर हैं वो सब के सब जो है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो उन तक पहुंचे। ये तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इसे बड़ी मुस्तैदी से उठाते हैं और लोगों को इस बात का पता लगता है, अदरवाइज ग्राउंड की हकीकत का तो पता नहीं लगेगा इनको। टीचर्स को भी सरकारी स्कूलों में नौकरी चाहिए लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे तो प्राइवेट शिक्षा स्कूलों में पढ़ाएंगे। ऐसे पर भी भारत मतलब ये जो हमारा जो भारत में जिस तरह से असमानता फैला रही है वो सरकार खुद फैला रही है हर मामले में, चाहे आप आरक्षण में देख लीजिए, चाहे स्कूलों से भेदभाव, कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल तैयार हो गए हैं और उसमें मैक्सिमम जो उसके जो मालिक है वो इन नेताओं के अपने रिश्तेदार या इनके अपने स्कूल हुआ करते हैं मैडम जी, जी जो कि कमाई का साधन है इनका जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया नेगी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमाई का साधन है ये, इनको लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ जो टीचर्स हैं सरकारी उनके बच्चे जाएंगे, जो अधिकारी हैं उनके बच्चे जाएंगे, स्वाभाविक तौर पर जो मंत्री हैं उनके बच्चे जाएंगे। जो सरकारी स्कूल हैं खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें इस तरह की तस्वीरें बहुत बार सामने आती हैं, बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, सफाई करवाई जाती है, लेकिन उस पर आम पब्लिक क्या सोचती है, जनता की क्या राय है वो आप बता सकती है इस कार्यक्रम के जरिए। नीतू सिंह है हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ी है। नीतू आप क्या सोचती है इस विषय पर? हाँ मैम, मेरा ये कहना है कि हरियाणा क्या लगभग पूरे देश के सरकारी स्कूलों का लगभग यही हाल है जी। ये तो आपके चैनल दिखाता रहता है, ये बहुत अच्छी बात है जी। पहली बात तो बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, ये कानूनन उचित नहीं है बिल्कुल। दूसरा शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ। हरियाणा सरकार को ये चाहिए कि तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करे। हाँ। और अगर हमारी इसकी जगह हमारे अपने बच्चे हों तो हम लोगों को कैसा लगेगा, ये सोचना चाहिए हर नागरिक को। हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग जी। बहुत शुक्रिया नीतू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीके मेहता के हमारे साथ फतेहाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं। मेहता साहब आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, विषय पर क्या राय? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पिक्चर देख के मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बच्चों को वहाँ एज ए लेबर यूज किया जा रहा है या उनको एजुकेट करने के लिए वहाँ बुलाया जा रहा है स्कूल में? नंबर टू, इमीडिएट स्टर्न एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द हेडमास्टर और द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। नंबर थ्री, ये बच्चों की हालत वैसे भी देखो, ये छोटा सा बच्चा जो अभी मेरे सामने आ रहा है। हाँ। मुझे हैरानी है ये बड़े होके बनेंगे क्या? बिल्कुल। हम अपने मोदी साहब कहते हैं हम देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, खट्टर साहब कहते हैं हम देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, रामविलास शर्मा को कहो, एजुकेशन मिनिस्टर को कि हमारा हाँ। देश आगे बढ़ रहा है। हमारा देश, ये बच्चे हैं, ये भविष्य जो है इस देश का, ये बच्चे हैं। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट द पीएम, द सीएम एंड द मिनिस्टर एजुकेशन हरियाणा, प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल हेडमास्टर और इन बच्चों का भविष्य सुधारिए। जी मेहता साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद कुमार हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, आपकी क्या राय है विषय पर? जी जी नमस्कार जी, टीवी की आवाज को कम करेंगे विनोद जी, उसके बाद बताएंगे मुद्दे पर राय क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं एंटी करप्शन से जी। हाँ काउंसिल से जी, आपने हमारा फोन मीटिंग किया, देखिए मेरी राय जी। मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे 5 साल 7 साल के बच्चों से हाँ। ये लोग इनके दुबा रहे हैं जी। ये बच्चे बताइए चोट खा जाए हाँ। इसका कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल, अब प्रदेश सरकार या दिल्ली की केंद्र सरकार इनको पैसा देती है, क्या ये मजदूर नहीं रखते? बिल्कुल, ये मजदूर रखने के बाद ये मजदूर का पैसा खा जाते हैं, इन बच्चों से ईंटें ढोलवा के काम करा रहे हैं स्कूल के लिए जी।
बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरें अभी तक के संवाददाता ने अधिकारियों से भी बातचीत की है, इसकी जांच की जाएगी कि क्या कुछ मामला ये पूरा है, क्या किसी लिहाज से गबन किया गया है, करप्शन का मामला है, लेबर क्यों नहीं बुलवाई गई, बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन क्यों किया गया है, इन तमाम सवालों के जवाब और अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल देश की आवाज में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ।